आप ये एक एक बात का जो है आपको हिसाब देना है। कुटलाइट की जनता को बताएं कि आप ठेकेदार हैं कि एमएलए हैं, कौन सा काम जो है आप कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं और मेरा परिवार कोई ठेकेदारी नहीं करेगा। आज हालात ये है कि घर के 5 ठेकेदार हैं, पंचायतों को भी आप छोड़ नहीं रहे। आज तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम ठेकेदारी कर रहे हो कि नेतागिरी कर रहे हो। आज हालत ये है, जो मैंने विधानसभा से बाहर मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जो कामून पटियां और हंडोला का जो टेंडर है, 7,70,00,000 का टेंडर, जो ठेकेदार उस काम को कर रहा था, लेकिन आपने को उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा टेंडर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, लेकिन वही टेंडर 11,30,00,000 का आपने उस ठेकेदार को दिया। आप क्यों नहीं उसकी जांच करा रहे, उसके पीछे आपका क्या 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 स्वार्थ है? आप क्यों नहीं वो उसका जवाब दे रहे हो कि आपने जाली वर्क डन दे करके आपने टेंडर्स देरा में लिए और हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज हुए, लेकिन विभाग ने बाद में वो टेंडर जो है वो कैंसिल करने पड़े, लेकिन अभी भी एक टेंडर है, क्यों नहीं आपने वो झूठा वर्क डन आपने दिया है? मैं आपको आपको फिर से वो मैं पेश करूंगा। आप ये एक एक बात का जो है आपको हिसाब देना है। कुटलाइट की जनता को बताएं कि आप ठेकेदार हैं कि एमएलए हैं, कौन सा काम जो है आप कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं और मेरा परिवार कोई ठेकेदारी नहीं करेगा। आज हालात ये है कि घर के 5 ठेकेदार हैं, पंचायतों को भी आप छोड़ नहीं रहे। आपका भाई ब्लॉक में बैठा रहता है और वहाँ ये देखता है कि कौन कौन पैसा मंजूर हुआ, वहाँ पर जाकर के ठेकेदारी करता है। आप क्यों नहीं ये तय कर रहे हैं कि आप गुमराह करके आज बंगाणा में आईपीएच के टेंडर पिछले 1 साल से टेंडर नहीं हुए, झूठ और फ्रेम के साथ आप टेंडरों को पूल करवा रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाणा में क्यों नहीं ऑनलाइन टेंडर्स लग रहे हैं? अब बड़े बड़े टेंडर्स लगते थे, क्यों छोटे छोटे उनको तोड़ करके ब्रेकअप करके जो है वो टेंडर लग रहे हैं? ये जो है वो जनता को सारा हिसाब देना पड़ेगा।